मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के अंतर्गत मठ लोहियार चौक से शनिवार की शाम लापता हुए युवक पत्रकार मनीष कुमार का मंगलवार को पुलिस द्वारा शव बरामद किया गया है, जिसको लेकर सिवान जिले के हसनपुरा राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के प्रदेश प्रभारी सौ राष्ट्रीय अनली ने अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाले, जो हसनपुरा चरमोहानी से लेकर के ब्लॉक तक निकाला गया और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे, जिनका सरकार से और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। जब एक पत्रकार ही सेफ नहीं रहेगा तो एक आम इंसान का क्या होगा। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं। पत्रकार मनीष हत्याकांड के विरोध में आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, जब पत्रकारी आपको सुरक्षा नहीं उसकी नहीं है, आम पब्लिक का क्या होगा? जो एक सच्चा इंसान था मनीष है ना, उसकी हत्या हो जाती है, सरकार चुप रहती है ना, उसके हथियारों को अभी तक पकड़ पाई है, नहीं पकड़ने की कोशिश करती है, तो हम आम आदमी की रक्षा क्या कर सकती है सरकार? आम आदमी की रक्षा क्या कर सकती है? पत्रकार की से रक्षा नहीं हो पा रही है। सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से ये मेरी मांग है कि हथियारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एवं उसको फांसी दी जाए, चाहे जितनी भी पैरवीदार हो, हथियारा जो भी हो, उसको पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ा जाता है तो आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। आपका पर्चा? जी, मेरा पर्चे, मेरा नाम ओनली हुआ है, मानव अधिकार अपराध निवारण संगठन के हम राष्ट्रीय सचिव हैं।